नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार पंचायत चुनाव को लेकर। एक बड़ा अपडेट सामने आया जिसमें कहा गया है कि बूथों पर हल्ला किए तो जाएंगे जेल। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग लगातार अपडेट जारी कर रहा है। इधर पंचायत के प्रतिनिधि अपने वादों के साथ मतदाताओं के पास पहुंच रहे हैं। ऐसे में बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव भी काफ़ी रोचक होने वाला है। हालांकि चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं होने से उम्मीदवारों से लेकर मतदाताओं के मन में उदासी है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से लगातार चुनाव को लेकर अपडेट जारी किया जा रहा है। ऐसे में आयोग की तरफ से जारी किए गए गाइडलाइनों में बताया गया है कि मतदान केंद्र और उसके आसपास शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई नई गाइडलाइन जारी की गई है। आयोग की माने तो मतदान के दिन पोलिंग स्टेशन के भीतर या प्रवेश द्वार पर या फिर उसके आसपास किसी तरह के सार्वजनिक या निजी स्थान में अगर कोई चिल्लाएगा तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने कहा है कि मतदान केंद्र पर आने वाले मतदाताओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए गाइडलाइन तय किया गया है। आयोग ने साफ साफ कहा है कि मतदान केंद्र पर ड्यूटी करने वाले अधिकारियों और अन्य कर्मियों में के काम में बाधा पैदा हो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। आयोग ने कहा है कि मतदान केंद्र के आसपास लाउडस्पीकर या फिर मेगाफोन का इस्तेमाल करने पर भी रोक लगाई गई है। कोई भी व्यक्ति मतदान केंद्र के आसपास से चिल्लाए या प्रतिबंध का उल्लंघन करता है तो उसे नियमों के विरुद्ध माना जाएगा और उसके खिलाफ 3 माह तक जेल और जुर्माने के साथ साथ दोनों दंड दिए जा सकते हैं। आयोग ने कहा है कि पीठासीन पदाधिकारी के पास इस बात का कारण होना चाहिए कि इस व्यक्ति ने मतदान केंद्र पर दंडनीय अपराध किया है या कर चुका है। उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को पीठासीन पदाधिकारी निर्देश दे सकते हैं। पंचायत चुनाव को लेकर आयोग की तरफ से एक और अपडेट जारी किया गया जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि एक ही दिन और समय पर एक से अधिक मत उम्मीदवार एक ही जगह पर सभा करना चाहते हैं तो उस उम्मीदवार को अनुमति दी जाएगी जिसने सबसे पहले आवेदन पत्र दिया है। इसके साथ ही आयोग ने यह भी कहा है कि सार्वजनिक स्थान पर चुनावी सभा के आयोजन को लेकर अनुमति देते समय विभिन्न उम्मीदवारों के बीच में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। आयोग ने यह भी स्पष्ट करते हुए कहा है कि किसी भी उम्मीदवार को सरकारी भवन या उसके परिसर का उपयोग चुनावी सभा या फिर चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। चुनाव की घोषणा से लेकर मतदान समाप्त होने तक की अवधि के दौरान पंचायत के किसी पदाधिकारी के क्षेत्रीय भ्रमण को चुनावी दौरा माना जाएगा। आयोग ने यह भी कहा कि चुनावी दौरा के समय यदि कोई मंत्री निजी मकान पर आयोजित किसी कार्यक्रम का आमंत्रण स्वीकार कर ले तो किसी सरकारी कर्मचारी को उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। यदि कोई आमंत्रण पत्र प्राप्त हो तो उसे विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर देना चाहिए। बिहार में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग लगातार अपडेट जारी कर रहा है। 6 अप्रैल को बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। ऐसे में अब उस दिन यह तय हो जाएगा कि बिहार में किस दिन मतदान होगा। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग यह चाह रहा है कि चुनाव की तारीखों के ठीक पहले चुनाव को लेकर सारे अपडेट जारी कर दिए जाएं। जब चुनाव की तारीखों की घोषणा हो तो हमारे पास सिर्फ चुनाव कराने का काम बचा हो। ऐसे में चुनाव की तारीखों को लेकर मतदाता से लेकर उम्मीदवारों के मन में उत्सुकता बनी हुई है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।